नमस्कार दोस्तों, आज की लर्निंग में हम जानने वाले हैं एक छोटी सी कंपनी, उस कंपनी क्या करती है, वायर बनाती है। और वायर बनाने वाली कंपनी का मार्केट क्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 करोड़ के आसपास नियर अबाउट होगा। और करंट मार्केट की प्राइस देखेंगे वो भी बहुत बड़ा नहीं है, एक चिप्स की पैकेट आ जाती है नियर अबाउट द सेम प्राइस में, 20 रुपये के आसपास की प्राइस है। और उसकी प्राइस में आखिर क्या ऐसा मोमेंटल था जहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसको क्या कहें, वो आप क्या कहना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल केवल जो इसका हिस्टोरिकल डेटा है उसी बेसिस पे आपके साथ रखने का प्रयास करता हूँ। पिछले एक साल में कंपनी ने 286% का जंप किया, अर्थात आप इसको मल्टी बैगर मानिए, पेनी मानिए, जो मानना है मानिए, लेकिन हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट लर्न करने वाले हैं। आखिर क्या पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के, जहाँ क्रिटिका वायर एक साल में 286% जंप करती है, 5 साल में 334% जंप करती है, 6 महीने में 66% जंप करती है, और उतना ही नहीं 1 महीने में नियर अबाउट 5% जंप करती है। और उससे भी बेहतर अच्छा है कि जब हम बात करने वाले हैं खास के 4 जून, मुझे डेट ऐसे याद है ना, 4 जून के बाद की मार्केट को, क्योंकि 4 जून को सबको पता होगा ना मार्केट में किस तरह से क्रैश हुआ था, और नियर अबाउट सारे के सारे मार्केट 10% 20% के सर्किट से गिरता नजर आया था, फिर 5 से रिकवरी था अच्छा खासा। तो इसका क्या नज़र आता है उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए 4 जून के बाद मार्केट कहाँ पे खड़ी है आज, 4 जून के बाद मार्केट कहाँ पे खड़ी है, देखिए मैं 4 जून के लेकर आकलन लेता हूँ और आज मार्केट खड़ी है इस लेवल पे। मार्केट कहाँ तक गई थी, नियर अबाउट सेम प्राइस तक गई थी, और इसका सपोर्टिंग जोन क्या बनाती नजर आती है, नियर अबाउट द 19 रुपये के आसपास। इस प्राइस पे एक ही बार नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में कई बार इस तरह के प्राइस पे इनके होने आया है। ये अब एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक था, अब ये पुल बैक क्या दर्शाता है इस स्टॉक को लेकर के, और ये क्या दर्शाता है, यही एक आंकलन है। और इसको हम पता है रिकंसिलेशन करेंगे किसके साथ, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर रिकंसिलेशन, क्या प्रमोटर्स ने कुछ बिकवाली तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं था, या बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ती गई, 2 गुना 4 गुना बढ़ गई और फिर आके सस्टेन कर गई उसी लेवल के आसपास, जहां पे स्टॉक कहां तक 24 रुपये तक गया था, नीचे 5 रुपये तक ढुलका था। फिलहाल ऊपरी सतह में कारोबार कर रही हो तो देखने को आती है कि 20% 20 रुपये के आसपास कारोबार करती नजर आई है, तो क्या क्या पोटेंशियल स्टॉक को लेकर के, चलिए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले इसकी फंडामेंटल, और दूसरा इस पर टेक्निकल, तीसरा इस पर सेंटीमेंटल। तो पहले लेने का प्रयास करेंगे हम फंडामेंटल को, फिर लेने का प्रयास करेंगे सेंटीमेंटल, और उसके बाद आने का प्रयास करेंगे टेक्निकल, या फिर क्या चार्ट आगे का मोमेंटल कुछ करता है नहीं करता। तो देखा जाए तो स्टॉक ने जो कि एक अच्छे साथी जंप किया है, उसका बुक वैल्यू कहता है 3 रुपये का, और प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है करीब करीब 640% जंप किया, किससे, बुक वैल्यू से। एक नज़र आती है एक इंडिकेटर के तौर पे जिसको कहते हैं स्टॉक की पी, तो स्टॉक के पी दर्शाता है केवल और केवल क्या, एक फॉर्मूला बेसिस, जो कि मार्केट में प्रॉफिट के बेसिस पे अभी मार्केट में स्टॉक की प्राइस किस रेंज पे ट्रेड होती रही है, केवल यही दर्शाती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी कहाँ से पता है, इसकी डिपेंडेंसी है ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। अब अर्निंग पर शेयर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ गया पता है, मार्केट क्या आ जाएगा, सॉरी करंट मार्केट प्राइस आएगा। अब यहाँ स्टॉक की पी कहता है 51.9 का, और इंडस्ट्रियल की पी कहता है 28.2 का। तो सोचिए यदि इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो फिर मार्केट में इसकी प्राइस ओवर वेटेज हो चुकी है, लगातार बढ़ती है, और बढ़ने का कारण केवल पी और इंडस्ट्रियल की पी नहीं है, सेक्टर बूस्ट करेगा तो अब इसलिए स्टॉक की प्राइस बूस्ट करेगी। लेकिन इसकी बूस्ट करने का एक और दूसरा रास्ता ये होता है कि कंपनी की यदि केवल ये तो डिपेंडेंस किस बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, एक डिपेंडेंसी होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि अच्छी खासी निकल के आती है और लोन का बर्डन ज़्यादा है ना, तो भी मार्केट रिएक्ट उसको पीछे नज़र आती है, क्योंकि लोन तो ये समझती है मार्केट तो क्या हो गया, लोन तो सजा देगी कंपनी का। तो ये चलिए इसका लोन का फैक्टर क्या कहता है, लोन का फैक्टर कहता है केवल 0.48 का, और इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है 5 रुपये 6 रुपये के आसपास। करंट रेशियो थोड़ा सा इससे इससे ज़्यादा निकल के आता है, जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को देखा जाए तो 1.80 कहती है,
फेस वैल्यू है 2 रुपए का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। आरओसी कहती है 16, आरओई कहते हैं 13.1। और मार्केट कैप के बारे में पता है, जो कि मार्केट कैप भी एक होता है छोटा सा फॉर्मूला, जो कि करंट मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मार्केट कैप जो हमने कहा था 500 करोड़ के आसपास नियरली, तो 540 करोड़ का है मार्केट कैप इसका, छोटा सा स्टॉक है और ये लगातार जो बढ़ी है ना, लगातार बढ़ती हुई है। इसका मतलब ये है जो इसका मार्केट में सेल्स बढ़ती नजर आती है, सेल्स के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करती नजर आती है। तो चलिए इसका एक नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है 72-73 के आसपास कोई भी प्लेस नहीं है, अच्छी बात है। और एक नज़र डालते हैं इसके हम इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस को हम बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। अक्सर हमने जितना भी स्टडी किया है, मैंने इस डेटा को बिल्कुल लेने का प्रयास किया, वो किसी बिजनेस को आपको समझने के लिए इसकी एक स्ट्रेटजी समझना पड़ेगा कि इनके पैसे का मामला जो है वो कितने तक है, कैसे है। सबसे अच्छी बात कहती है ये जब हम 35 दिन में पैसा रिकवर आते हमारे पास डेटर्स, ठीक है। जितना भी इन्होंने सेल्स किया उस सेल्स का 10% ही मार्केट में पैसा फंसा रहा, अर्थात जिसको डेटर के। अब आते हैं प्रॉफिट की बात पे। बाबा प्रॉफिट जितना हुआ उसका 3 गुना से ज़्यादा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। इसमें कोई यदि उल्टा पुल्टा हुआ तो प्रॉफिट तो गई हाथ से। तो जो तीन गुना प्रॉफिट के 3 गुना पैसा लगा हुआ है उसमें प्रॉफिट का भी पार्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी बुक कर लिया बुक्स के अंदर, और वो हमारी प्रॉफिट देख गई। अब प्रॉफिट देखिए तो हमारे पास ईपीएस आ गया। ये एक यहाँ पे मैंने केवल इस बिजनेस को समझने के लिए इस स्ट्रेटजी को यूज किया है। चलिए कंपनी 2004 में बनी थी, क्रितिका वायर लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द सप्लायर द वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल्स स्टील वायर एंड द इसके गैल्वेनाइज्ड वायर। दो तरह की वायर बनाती है और मल्टी बनाती होगी आज के टाइम, ये तो डेटा उसके बेसिस पे। वेबसाइट्स की डेटा क्या कहती है इसके बारे में, कहती है हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो हैं मिडल स्टील्स वायर हैं, जियल स्टील वायर हैं, ग्लाविनस स्टैंड है, ACS कॉटन्स बेलिंग्स वायर हैं, ढेर सारा लिस्ट। अब मुझे लगता है कि 15-20 का तो लिस्ट निकल के आ जाए जहाँ पे अलग अलग तरह के वायर बनाती नज़र आती है कंपनी। इसके बाद कुछ और बात कहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। इसके बाद कुछ और चीज़ देखती कहती है हमारे पास प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, ये प्रेजेंस की बात करती है, इनके अप्रूवल की बात करती है, ISO अप्रूव्ड है, इनकी प्रोडक्ट की बात करती है, और ये इनका कुछ डिटेल निकल के आती है। यहाँ पे कहती है जय हनुमान ग्रुप्स, ये बेसिकली क्रितिका वायर इज द जय हनुमान ग्रुप्स वाज द इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 में बनी थी, इन द ISO रजिस्टर्ड है कंपनी। और इसका क्या है, ये कंपनी किसके लिए करती है, कंपनी कहती है इन द टाइप ऑफ द स्टील वायर एंड द गैल्वेनाइज्ड वायर वाज द अल्टीमेटली कटर टू द नीड टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा कंपनी इज रन इन द ग्रुप्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड द हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इक्विप्ड विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। हम उसमें ज़्यादा जाने का प्रयास नहीं करूँगा, आप सोचेंगे मैं थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक डाल दूँगा उसके। अब आते हैं इसकी प्रति, क्या पता है इसके प्रति, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो कि लर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कंप्लीट स्टडी जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप किसी स्टॉक को लेकर के, किसी भी मार्केट को लेकर, किसी मार्केट स्ट्रेटजी को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं एज ए लर्नर ऑल्सो। चलिए पियर्स कंपनीज के बारे में क्या कहती है। पियर्स कंपनी में देखा गया कि पियर्स कंपनी उसके बारे में अलग अलग ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पे रत्ना मणि मेटल्स से लेकर के, और टोटल करीब करीब 80 कंपनी है उसमें, नियर अबाउट कहती है 28 का ई कहता है उसमें, कहता है उषा मार्टिन हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, अच्छा सा पोटेंशियल था मार्केट को लेकर के, जिसके हिसाब से देखा तो उषा मार्टिन इज द सेम एवरेज फ्रॉम द इससे इंडस्ट्रियल के, और उस हिसाब से भी स्टॉक की और भी मार्केट पोटेंशियल बढ़ती नजर आती है। यहाँ पे दूसरा आती है अमोन सीमलेस, महाराष्ट्र सीमलेस की बात करती है, और इसके बाद देखा गया कि और भी कंपनियां 24% के आसपास टेक्नोक्राफ्ट करके आती है, NMDC स्टील्स हैं, अब ये गवर्नमेंट की कंपनी है ना सर, NMDC स्टील्स,
उसका तो वहाँ पे सर लॉस मेकिंग देखने को मिलती है, तो अभी स्टॉक परचेज हो जाती है। चलिए इसको पीयर्स को हमने देखा और इसके बाद चलने का प्रयास करते हैं इसकी डेटा की तरफ। और डेटा क्या कहती है? रिजल्ट का मॉडल को लेकर, रिजल्ट के मामले में कहती है कंपनी लगातार एक अच्छी क्या नई निकल के आती है, सेल्स बढ़ती नजर आती है। सेल्स के बेसिस पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहते हैं, 6 करोड़ के आसपास बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार बढ़ती नजर आती है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद इसके पास हुआ क्या, जो इसके पास 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा, टोटल नेट प्रॉफिट, वो भी अच्छी है। टॉप ऑफ द ईयर कह सकते हैं इसको, इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर क्यू ऑफ क्यू कह सकते हैं, क्यू ऑफ क्यू जो टॉप कामकाज करी है। प्रॉफिट कहती है, जहाँ पे प्रॉफिट के देखा जाए ईयरली बेसिस में, तो वो कहती है 35 करोड़ के आसपास। हम 3-4 साल का डेटा लेना चाहेंगे, 2022 से डेटा लेते हैं, 22 में जहाँ 244 करोड़ के आसपास, और ये 24 में होता है 432 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 करोड़ के आसपास होती है, वे भी कितना ज़्यादा नहीं, 3% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही, और टोटल देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनती नजर आती है। तो इनका नंबर ऑफ शेयर थोड़ा ज़्यादा था, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो फिर प्रॉफिट कम है तो फिर क्या होगा, ईपीएस तो कम निकल के आएगा, करीब 39 पैसे का निकल के आती है। यही एक यहाँ पे डाउन साइड देखने को, इसका हम देखने का प्रयास करेंगे इंटरेस्ट का बर्डन क्या था और लाइबिलिटी इसके बारे में क्या कहना चाहता है, वो हम बैलेंस शीट को समझने का प्रयास करेंगे, एक नज़र डालेंगे। वो यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं कि ज़्यादा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कहती है अच्छी है हमारी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ती नहीं रहती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी में एवरेज कह सकते हैं, ये एक ऐसा निकल के आती है। अब आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में किस पे फोकस करने वाले हैं पता है, फोकस करने वाले सबसे पहले फोकस करने वाले हैं हम कहाँ पे, इसकी रिजर्व के ऊपर। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे 24 के अंदर इन्होंने शेयर इक्विटी जो कैपिटल था वो बढ़ गई, अर्थात उन्होंने कैपिटल लेके आई थी, मार्केट में कुछ राइट इशू या कुछ बोनस इशू दिया था उन्होंने, कुछ ऐसा कुछ बोलने लगता है राइट इशू या प्रेफरेंस कुछ तो किया है, क्योंकि मार्केट में इनका जो शेयर था वो शेयर करीब 18 करोड़ के आसपास था, वो 53 करोड़ हो जाती है। उसके बाद देखा गया कि इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस था वो घट गई, चलिए घट गई तो क्या हुआ, आगे बोरिंग्स के पार्ट देखे तो बोरिंग्स डबल के आसपास चली गई, बोरोइंग बढ़ गया, सीधा सीधा बोरोइंग बढ़ा तो आगे कुछ हुआ इसका, बोरोइंग बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट में क्या किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और रेस्ट इनका अदर फंसा हुआ है, अदर में इनका ट्रेड रिसीवेबल क्या फंसा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला इनके पास जो नियर अबाउट कितना 41 करोड़ का इनका ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। इस कंपनी की पता है एक डिमेरिट ये है, मैं इसको डिमेरिट इसलिए कहता हूँ कि लगातार इसमें एक चीज़ देखिए, लगातार देखिए इनका डेटर्स लगातार था, इसका ट्रैक रिकॉर्ड के नंबर देखने का प्रयास करते हैं पहले, यदि इतना रिकवरी हो गया तो अच्छी बात है, यदि बैड डेट्स को कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने, यदि इस तरह के रिकवरी हो जाते हैं, 41-42 करोड़ का इनका टोटल है और प्रॉफिट कितना था 5 करोड़ का, 8 गुना से ज़्यादा डेटर पड़ा हुआ है, और 42 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है यहाँ पर इसके लिए, और वो कहती है हम 35 दिन में पैसा देता है, चलिए यहाँ पे कहती है कितने दिन में पैसा देता है, 35 दिन में पैसा देता है, और इन्होंने अपनी जो टेबल वाली पार्ट्स है उसको पैसा देते हैं 23 दिन में, तो उनके पास वर्किंग कैपिटल बचा नहीं कुछ। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या दर्शाना चाहते हैं इस कंपनी को लेकर के चलते हैं। ईयरली में देखें तो अभी कंपनी ने, प्रोमोटर ने कोई बिकवाली नहीं किया है, प्रोमोटर्स जो है इसका वो है ग्रेनेक्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड 19%, और इनकी कुछ जो क्या कह सकते हैं इसको ग्रुप्स कंपनियां हैं वो हैं, हनुमान प्रसाद अग्रवाल इनके मेन लगता है कि डायरेक्टर्स, और बाकी सारे मैनेजमेंट्स होंगे, क्योंकि तो हनुमान जय हनुमान का इनका ब्रांड भी था ना शायद कुछ ऐसा। यहाँ पे FI की तादाद कोई नहीं है, DI की तादाद कुछ नहीं है, जो भी है वो पब्लिक की तादाद है, और पब्लिक में यहाँ पे कोई बड़ी नाम तो ऐसा देखने को कृतिका वॉयस लिमिटेड सेपरेट इसक्रो फंड लिमिटेड है, डीमैट अकाउंट था, इसके बाद कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा तो निकल के नहीं आता, एक दो कंपनी निकल के आती जिनके पास कुछ कुछ फंड निकल के देखती नजर आती है, बाकी तो सारा का सारा डिटेल में है। 70% में देखा जाए तो अगर 2-3% मान लेते हैं, 24% के आसपास किसके पास पोजिशन है, कंपनी रिटेल में कामकाज करती नजर आती है। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में देखा जाए, लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी अपने बारे में, वो कहती है लेटेस्ट अपडेट में ट्रेडिंग विंडो की बात कर रहे थे, कॉपी ऑफ द न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात करते थे, उसके बाद कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करती नजर आई थी, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग की बात करती नजर आई थी कंपनी, तो
तो बोर्ड मीटिंग में ऐसा क्या चीज़ निकल के आया था जो मार्केट इसके पीछे दौड़ती नजर आती है? एक बार बोर्ड मीटिंग 28 मई को बोर्ड मीटिंग, इसका कोई रिलेवेंट बचता नहीं आज के टाइम में। तो ये लगातार स्टॉक में लगातार पेनी स्टॉक लगातार बढ़ती नजर आती है, क्या अभी आज आज भी इसमें पोटेंशियल बनती है? तो मैं कह सकता हूँ इसको जो ये केयरफुली होता है पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर भी साबित होता है कई बार, तो यहाँ पे मार्केट में सस्टेन यदि करती है तो सस्टेन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा जंप कर सकता है, लेकिन इस तरह की यदि मोमेंटल आती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा चिंता का विषय भी हो सकता है स्टॉक को लेकर के। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आज कृतिका वायर को लेकर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक नज़र डालते हैं एवरेज प्राइस के, एवरेज प्राइस के बारे में जो हमने देखा था वहीं के आसपास खड़ी है 50 डे के एवरेज प्राइस 6 महीने, और वहीं पे मार्केट यदि खड़ी है लगता है यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट जंप कर सकती है यहाँ से थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे पैनिक्स नज़र आती है चीज़ों को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।